ये दोनों प्यारे बच्चे यहाँ पे हमें मिल चुके हैं, उसकी शूटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। वीडियो कैसे बनाया? ऑलराइट, सो हे गाइस, वापस से जो है हमारा ये न्यू राइड स्टार्ट हो चुका है, जो कि बेसिकली एक राइड अभी नहीं है, आगे चल के होगा। अभी इस बार अपन जा रहे हैं केदारनाथ, और पता है कि साथ में कौन जा रहा है? एज यूजुअल यू कैन सी भैया जा रहे हैं साथ में, और अभी साथ में वो घर पे। थोड़ी देर में दिल्ली वाली ट्रेन स्टेशन पे आने वाली, क्योंकि अभी काफ़ी सारे लेट है ट्रेन। सो गाइस, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू गैदरिंग, एब्सोल्युटली फाइन। हम लोग घर से भी निकल चुके, ट्रेन हमारी थोड़ी लेट है इसलिए हम थोड़ी लेट से निकले। बाकी मैं स्टेशन पहुँच कर गाड़ी में चढ़ के आपको बताता हूँ। सो गाइस, फाइनली हम लोग स्टेशन पहुँच चुके हैं और अभी अंदर जाने वाले हैं। पता नहीं ट्रेन कितनी देर में आएगी, बट जब भी आएगी मज़े आएंगे। ट्रेन का टाइम तो हो गया, अभी हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़े और ट्रेन अभी पता नहीं कितनी देर में आने वाली, बट वेट कर रहे हैं। ब्रो, क्या हाल चाल? ट्रेन फाइनली हमारी आ चुकी है बहुत ज़्यादा लेट से। सो गाइस, अभी हम लोग ट्रेन पे चढ़ चुके हैं और ये हमारे भाई साहब हैं यहाँ पे, और अभी हम लोग कभी घर का बनाया हुआ खाना खा रहे हैं। गाइस, ट्रेन में भी रात हो चुकी है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। मेरे भैया वहाँ पे, यू कैन सी द लोकेशन गाइस, मिलते हैं हम आपको कल। भैया, क्या नींद सही आया था? यस ब्रो। हाँ, सही था ना? हम लोग प्रयागराज से काफी आगे आ चुके हैं और अभी बहुत बदमाश है, बैठ बैठे हुए। क्या हाल चाल भाई? उधर पीछे घूम, पानी वानी प्यास लगा तो पानी वानी हम लोगों ने बढ़िया पी लिया है। बस किसी तरह से दिल्ली पहुंचने का वेट कर रहे हैं। खुशी की बात, मेरे भाई ने आईफोन लिया है और उसी से वो शूट कर रहे हैं। कौन सा फोन लिया भाई? कौन सा है? कौन सा है? ये देख लो, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, कौन सा है? आईफोन 13 लिया है इन्होंने, और उसी से ये दोनों प्यारे बच्चे यहाँ पे हमें मिल चुके हैं, उसकी शूटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। वीडियो कैसे बनाया? बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं गाइस, तो बाहर के कुछ नज़ारे देखो आप। क्रेडिट कैसे होगा फोटो? बोर हो रखे हैं गाइस, क्या बोल सकते हैं हम। अभी तो शाम में, मतलब रात में पहुँचेंगे, पता नहीं ट्रेन वैसे भी लेट थी तो क्या सीन है, नहीं पता नहीं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बाकी ब्लॉग तो प्रॉपर बन ही रहा है। सो गाइस, अभी हमने तकरीबन आधे घंटे पहले इटावा स्टेशन को क्रॉस किया है और अभी देखते हैं कितने टाइम में आगे पहुँचता है। अभी कौन से स्टेशन पर होगा, उसके बाद रुकेंगे अलीगढ़। अलीगढ़ अभी अलीगढ़ आने वाला है, फिर देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। अभी टाइम से पहले गाज़ियाबाद स्टेशन पर हम लोग को पहुँचा दिया गया और अभी मज़े नहीं आ रहे हैं तो बस बाहर निकल गए हैं। 24 घंटा से सुतने वाला स्थिति है भाई, गद्दारी कर बे तोरी भाई। इनको मीम्स देख रहे थे भाई, हम लोगों ने बहुत सारे मीम्स देखे। ये हमारी ट्रेन है, यू कैन सी, पता नहीं यहीं पे कहीं पे होंगे हम लोग। बस फाइनली वी आर रीच द दिल्ली, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अभी रश है, मुझे पता नहीं क्या क्या करना है। बट मैंने यहाँ पे एक जो भाई हमें पिक करने आएंगे वो मेरे को बोल रहे थे कि राजीव चौक जाने का है, अब देखो क्या होता है क्या नहीं। बाकी आगे जाकर मैं आपको सारी अपडेट्स देते रहता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो गाइस, अभी हम लोग मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं यहाँ पे। बाकी ये रहे मेरे भाई, क्या हाल चाल? अभी ट्रेन से निकलने के बाद काफ़ी ज़्यादा अभी हम लोग यहाँ पे गर्मी लग रही है, बट जो है सही है। बाकी मेरे को क्या दिक्कत नहीं है, आगे ये रहा रास्ता, यहाँ से अभी नीचे जाना है अपने को। बाकी आगे बताता हूँ आपको क्या हो रहा है क्या नहीं। अभी हम लोग जैसे ही आए, मतलब ऐसे ही, मतलब लिटरली ट्रेन से उतरे, वहाँ पे मैंने देखा एक कोई कपल था, मतलब रिक्शे पे बैठा हुआ था, नॉर्मल रिक्शा जैसे हमारे यहाँ पे चलता रहता ना, पूरा लगा हुआ, इसकी माँ की जूस, इसकी वैन चो फुल लगा हुआ। हमने वैन चो सोचा कि यही दिल्ली है, क्योंकि रिसेंटली हमने मीम्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा देख रखे कि कोई मेट्रो में मास्टरबेट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ब्लोजॉब दे रहा है, वैन चो, ये सीन है। तो वो चीज़ हमें आते के साथ दिख चुका है यहाँ पे। अभी कल रात में आने के बाद हम लोग वहाँ पे खाते के सो गए, तो कुछ खास सूट किया नहीं मैंने। तो अभी हम लोग आए सरोजनी नगर मार्केट, तो मेरे भाई हैं यहाँ पे, इनको कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, तो मार्केट वहाँ पे उधर है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में कहीं। सो देखते क्या होता है क्या नहीं, बाकी मैं आपको आगे दिखाता रहता हूँ। सो गाइस, वहाँ देखिए आप लोग, वो रहा सरोजनी मार्केट। तकरीबन एक घंटे तक सरोजनी में स्ट्रगल करने के बाद हमें कुछ मिला नहीं, तो हम लोग पता है कहाँ पे आ गए? DLF मॉल, यू कैन सी, पता नहीं कैसे दिखाऊँ मैं आपको। अभी अंदर जाएंगे यहाँ से और फिर देखते क्या होता क्या नहीं। बाकी जब हम दिल्ली से वापस हरिद्वार जाने के लिए जब हमने ट्रेन पे बैठा, तो हमारी स्थिति
प्रकार की है यहाँ पे, मुझे टॉयलेट के बगल में मम्मी के द्वारा दिया गया चद्दर बिछा कर बैठना पड़ रहा है डूड। ये देख सकते हो यहाँ पे ये भाई, यहाँ पे एसी वेसी का पता नहीं क्या है, वैन जो करंट मारेगा तो जाए सीधा आ जाएंगे ऊपर। सो उस टाइम की अगर बात करूँ तो मैं पालिका बाजार वगैरह गया था, सरोजनी वगैरह गया था, कुछ कपड़े वगैरह खरीदे, कुछ खास सूट करा नहीं मैंने क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पे। सो ये था कुछ हमारी खगड़िया से दिल्ली तक का सफ़र। और फिर अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो तो गाइस लाइक मारे, कमेंट मारे और कर दे वीडियो को शेयर। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस एंड लव गेंस।